काफ़ी समय के बाद आज लाइव आया हूँ मैं। थोड़ी सी टेक्निकली फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी मेरे। तो बागवान साथियों, आज हम अपनी लाइव स्ट्रीम की शुरुआत जिस मुद्दे से करेंगे वो है हमारे बगीचों में प्री मेच्योर लीफ फॉल अल्टरनेरिया मार्सोनिना, जिससे कि इस वक्त सभी जगह के बागवान काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि आपसे बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं रस्टिंग को लेके कि क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ साझा करूं जानकारी, तो मुझे लगता है कि जो आप कैल्शियम और बोरोन का कॉम्बिनेशन डालते हैं उसको आप रेगुलर करते रहे बीच बीच में, चाहे स्प्लिट डोजेज में तोड़ तोड़ के, उससे कहीं ना कहीं आपके रस्टिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी या वो फैलेगी नहीं। और दूसरी और एक बीमारी है जो आजकल बगीचों में बहुत ज़्यादा फैल रही है, वो है वुली एप्पल एफिड। कोशिश ये कीजिए कि वुली एप्पल एफिड को आप स्पॉट स्प्रे से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इनिशियली जहाँ जहाँ दिखता है वहीं पर पिट्ठू मशीन से आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है तो आपके पास रोगर, थायोमेथोक्सोम, इस तरह की इंसेक्टिसाइड मिलेगी जिसको आप स्प्रे करके फिर तो मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगा। कोशिश ये कीजिए कि आपको ऐसी स्थिति ना आए। इस साल वुली एप्पल एफिड अत्यधिक फैल चुका है, मैं अपने बगीचे में भी देख रहा हूँ। मैं लगभग दो बार स्पॉट स्प्रे से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे लगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड पे फिर से जाना पड़ेगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम इसको ना डालें। और एक और मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगा अभी जो बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक है, आप गौमूत्र और लस्सी की स्प्रे भी कर सकते हैं इस वक्त, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको वुली एफिड में, साइज में और क्लोरोफिल के लिए। आपको 10 लीटर लस्सी पुरानी सड़ी हुई और 5 लीटर गौमूत्र, उसको आपको लगभग 5-7 दिन जितना भी पुराने तरीके से आप रखें मिक्स करके एक ड्रम में बना मिला दे और उसकी आप स्प्रे करें। एक अच्छा फंगिसाइड आपको मिलेगा, आपको एक फंगस से भी कंट्रोलिंग मिलेगी और दूसरा आपका टॉनिक भी उसी में आ गया, जो गौमूत्र है वो आपको टॉनिक का काम करेगी। तो आपके ये भी आपकी एक अच्छी स्प्रे हो सकती है शेड्यूल में बीच में, अगर आपने स्प्रे कर दी उसके बीच आपको पता है कि 15-20 दिन का गैप है तो उसी बीच आप एक हफ्ते के बाद उसको स्प्रे को आप कर सकते हैं। जो तो हाइट वाले हैं वो तो दो एप्लीकेशन अभी आप इस चीज़ की कर सकते हैं बीच बीच के इंटरवल पे गौमूत्र और लस्सी की, इसके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खरीदने की जरूरत नहीं इसको।